हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है इफ़ द स्टेट लाइन ड्राउन थ्रू द पॉइंट पी रूट थ्री कॉमा टू एंड इनकलाइंड एट एंगल फाई वाई सिक्स विथ एक्स एक्सिस मीट द लाइन रूट थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो एट क्यू देन लेंथ ऑफ पी क्यू नुमेर के लोस्ट क्वेश्चन है ये तो एक पॉइंट आपका पी जो है ये देखिए ये है आपका रूट थ्री कॉम टू और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये ये एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिक्स पाई बाई सिक्स ठीक है और अनदर लाइन पे मीट कर रहा है क्यू पॉइंट पे जिसका इक्वेशन है क्या रूट थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो आपको ये लेंथ फाइंड करना है पी क्यू ये परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है क्योंकि ये एंगल बना रहा है फाइवाई सिक्स के साथ तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस फाइव ठीक है ले सकते हैं अगर ये लाइन एव रहेगा तो लेकिन डिस्टेंस क्या होगा ऑबिसलिए मोर्ड आर होगा तो यहां हम एक साइन यूज करते हैं ओनली आर का आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं ठीक है सो एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन कॉस पाए बाय सिक्स क्या हो गया रूट थ्री बाय टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन साइन पाए बाय सिक्स हाफ इक्वल टू आर तो यहां से एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू इंटू आर एंड वाई का कोऑर्डिनेट क्या मिला टू प्लस आर बाय टू अब ये दोनों पॉइंट एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इस लाइन पे लाइज कर रहा है ये कह सकते हैं कि क्यों का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया ये एक्स एंड वाई लाइज ऑन दिस कोऑर्डिनेट दिस लाइन तो इसका मीनिंग क्या हुआ रूट थ्री इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट ये रख दीजिए रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू टाइम्स ऑफ और माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई टू प्लस आर बाई टू प्लस एट इक्वल टू जीरो पॉइंट इस लाइन पे लाइज कर रहा है इसलिए ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा इम्प्लस ये हो गया आपका थ्री प्लस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर माइनस एट माइनस ये हो जाएगा टू आर प्लस एट इक्वल टू जीरो ये कैंसिल हो गया ठीक है? सो थ्री इक्वल टू टू आर माइनस थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ आर दैट इम्प्लाइज थ्री इक्वल टू क्या हो गया आर बाय टू दे आर फॉर आर इक्वल टू सिक्स यानी ये डिस्टेंस कितना यूनिट हो गया सिक्स यूनिट हो गया ठीक है तो इसका न्यूमेरिकल आंसर जो होगा वो सिक्स यूनिट ओके थैंक यू